सभी को प्रणाम किया प्रधानमंत्री ने, तो उसमें आपको किया गया प्रणाम विशेष कैसे हो गया ये हमारी समझ में नहीं आता। हमारा काम राजनीति नहीं है, जनता जिसे चुनेगी वो राजा बनेगा, जो राजा बनेगा वो हमारे लिए प्रणाम में है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके किसी भी प्रकार के आजीवन अभिषेक पर प्रतिबंध लगा दिया, शंकराचार्य पद पर अभिषेक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी एक सामान्य भगवा वेश में बैठे हुए संतों की श्रृंखला थी, वहाँ मुरारी बापू से लेकर के रमेश भाई ओझा तक और अवधेशानंद गिरी चिदानंद मुनि सभी को प्रणाम किया प्रधानमंत्री ने, तो उसमें आपको किया गया प्रणाम विशेष कैसे हो गया ये हमारी समझ में नहीं आता। और प्रधानमंत्री जी तो इस देश के एक एक कोई बड़ा आश्रम ऐसा नहीं होगा जहाँ न गए हों और संतों को प्रणाम न किया हो। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो दक्षिण भारत में उन्होंने मंदिर मंदिर घूम करके महाराष्ट्र में जहाँ भगवान राम रामटेक वाले स्थान पर भी कालू राम मंदिर प्रधानमंत्री जी का जाना हुआ। तो प्रधानमंत्री तो भक्त हैं, प्रधानमंत्री जी सोमनाथ के ट्रस्टी बहुत शुरू से हैं, काशी विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार कराया, राम जन्मभूमि की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्रधानमंत्री ने तो संतों की, तो प्रधानमंत्री का अपना हिसाब परमात्मा के यहाँ जो देना होगा वो दे देंगे। परंतु ऐसे कालनेमी संत जो शास्त्रों की मर्यादा के विरुद्ध जिनके आचरण हैं, ये अपने हिसाब किताब की चिंता क्यों नहीं करते कि नेताओं की गोद में बैठ करके प्रत्याशी लड़ाना, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना। मैंने कभी नहीं सुना कि भारत के चार धाम, सप्तपुरी, 52 शक्तिपीठ, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, इसके आधार पर कोई रचना की गई हो। कभी गंगा सेवा के सांसद बनते हैं, कभी गंगा सेवा के विधायक बनाए जाते हैं, तो कभी गो सेवा के सांसद बनते हैं और गो सेवा के विधायक बनाए जाते हैं। तो विधायक और सांसद, ये जो किसी धर्माचार्य के दिमाग में सांसद विधायक वाला कीड़ा है, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये धर्म से हट करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की सलाह देता है। इसलिए मैं इतना ही कहता हूँ संत समिति के महामंत्री के नाते कि हम धर्माचार्यों का काम धर्म क्षेत्रों के आधार पे रचना खड़ी करना और उस रचना में सनातन धर्मावलंबी के स्वाभिमान की सुरक्षा हो सके, इसके तीर्थों की पवित्रता शुचिता की रक्षा हो सके, यही हमारा काम है। हमारा काम राजनीति नहीं है, जनता जिसे चुनेगी वो राजा बनेगा, जो राजा बनेगा वो हमारे लिए प्रणम्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके स्वरूपानंद जी के मरने के बाद, शरीर शांत होने के बाद, या उनके भक्तों की भाषा में, संतों की भाषा में कहें, ब्रह्मलीन होने के बाद आनन फानन में झूठ बोला गया कि अभिषेक किया जा रहा है। इनके मीडिया प्रभारी के द्वारा बयान जारी किया गया कि फला तारीख को बद्रीनाथ में अभिषेक होगा। तब तक स्वरूपानंद जी का उत्तराखंड की मीडिया को जारी किया हुआ पत्र, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि ज्योतिष पीठ की मूल परंपरा की कोई प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है, उनके पास जो कुछ है वो निज साधनों से अर्जित किया हुआ मठ है। एक दूसरे उन्होंने कहा, मैंने कोई वसीयत नहीं लिखी, वसीयत 2014 की बताई जा रही, और 2020 में एबीपी न्यूज को बयान दे करके उन्होंने वीडियो बयान में कहा है कि शंकराचार्य का पद वसीयत का नहीं, योग्यता का होता है। तो प्रश्न यह उठता है कि स्वरूपानंद जी विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो जब वो मानते हैं कि योग्यता का पद है, शंकराचार्य के पद पर वसीयत नहीं की जा सकती, तो ये वसीयत आई कहाँ से? फिर अगर यह वसीयत हम सही मानते हैं तो एक स्वरूपानंद जी के शिष्य जो कुछ दिनों तक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर रहे, स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं कि असली वसीयत मेरे पास है और दोनों पीठों का शंकराचार्य मैं हूँ, तो या तो प्रज्ञानानंद की वसीयत सही है या ये जो वसीयत सामने लेके आए हैं ये वसीयत सही है। तो इन दोनों वसीयतों का निर्धारण तो कोर्ट में होगा,
लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनके किसी भी प्रकार के आजीवन अभिषेक पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।